अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको चिकन स्ट्रिप्स बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी मेथड है और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही यम्मी बनते हैं वैसे भी ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आधा किलो चिकन बोनलेस है, इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया है, दो अंडे हैं, 2 टेबल स्पून मैदा है और 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस है और 1 कप ब्रेड क्रम्स है। ये चिकन देखें इस तरह स्ट्रिप्स में कटवा लिए। अब इसको हम पहले मसालों में मैरिनेट करेंगे। ये चिकन लिए, इसमें चिल्ली सॉस, नमक, काली मिर्च और ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट के लिए आधे घंटे के लिए हमें रखना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह कोट हो जाए चारों तरफ, इस तरह अच्छी तरह देखें ये मिक्स हो गया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स और अंडा मिलाएंगे। मैं एक बड़े बोल में डाल लिया है। अब इसमें हम ये दोनों अंडे डाल देंगे और मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें इस तरह। अब इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसको भी हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मैरिनेट करना ज़रूरी है तो इससे अच्छी कोटिंग आती है। ये देखें ये मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरह। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखें इस तरह कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स में और ये तैयार है। जो चिकन के अंदर ही सॉस बनी है उसी में थोड़ा थोड़ा इसको चिकन को डिप करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह क्रम्स इस पे कोट हो जाए। ये देखें सब तैयार हो गई हैं। इसको 15 मिनट के लिए अब हम फ्रिज में रखेंगे, फिर फ्राई करेंगे। अब देखें 15 मिनट मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बस जितनी जगह हो इतना डालिएगा, ज़्यादा क्राउड मत करिएगा। और इसको हमें डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल चम्मच चलाना नहीं है इसमें। जब 5 मिनट बाद हम इसको टर्न करेंगे और दूसरी तरफ 2 मिनट पका लेंगे तो ये हमारे स्ट्रिप्स तैयार हो जाएंगे। आप इसको किसी भी अच्छी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें ये तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।